गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईथर के ऊपर। पहले हमने किया अल्कोहल, फिनोल, आज जो टॉपिक रहेगा वो है आपका ईथर। और इसमें अगर जनरल फार्मूले की बात की जाए तो जो जनरल फार्मूला अपना रहता है वो है CnH2n+2O, जिसके अंदर जो जनरल फार्मूला लोगे मीन्स ये होगा कि हमारे पास जो लिंकेज है, लिंकेज रहेगी ROR- भी, ये लिंकेज रहेगी ROR- की। तो इसके अंदर ये जो R है ये बेटा सेम भी हो सकते हैं और इनको हम डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो इसमें देखिए कहते हैं भी जो ईथर्स है आर द कंपाउंड विद जनरल फार्मूला CnH2n+2O, जिसमें आप देखोगे भी जो मोनोहाइड्रिक अपने पास अल्कोहल है वो कंबाइन करता है, और इसके अंदर जो डाई अल्काइल डेरिवेटिव है वो आप करवाओगे किसकी सहायता से, जो मोनो अल्कोहल है उसकी सहायता से। तो हम देखते हैं भी अपने पास ईथर है वो कैसे बनेगा। आप वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हो -2H करके और 2R उसमें प्लस करते हो, जैसे हम पहले करते आए हैं भी RH में हम H- करें और हैलोजन जोड़े या हम उसमें अल्कोहल जोड़ते हैं। तो अब यहां पे यही कह रहे हैं भी आपके पास दो हाइड्रोजन है वाटर के साथ -2H और प्लस क्या कर रहे हैं 2R, तो क्या बनेगा ROR-। ठीक है, हम ये बना रहे हैं इसमें भी अपने पास जैसे R और R डैश को मानने भी सेम इक्वल है, तो ये अपने पास जो 2R ऐड किए वो ROR- बनाते हैं। तो इसमें जो अब अपना नेम आएगा, नेम कैसे आएगा इसमें, इसके अकॉर्डिंग अगर IUPAC लिखोगे तो पहले बनेगा एल्कोक्सी और उसके बाद क्या लिखोगे अल्केन, तो एल्कोक्सी अल्केन लिखा जाता है इसको। और अगर इसको तुम क्या लिखोगे कॉमन नेम में, तो कॉमन नेम में आएगा अल्काइल ईथर, ये इसके साथ लिखा जाएगा। इसके लिए अपने पास एग्जांपल दे रखे हैं बेटे, जिसमें क्या है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात आती है। भी अगर R और R डैश दोनों इक्वल हैं तो वो सिमेट्रिकल ईथर बनाएगा, और अगर वो डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल बनेगी। एग्जाम्पल के लिए अपने पास है जैसे CH3O CH3, इसमें दोनों अल्काइल ग्रुप देखो सेम है, तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा मिथोक्सी और इसको क्या कहा जाएगा मिथेन, तो ये बनेगा मिथोक्सी मिथेन। ठीक है, ये क्या हो गया सिमेट्रिकल का। अब हो सकता है भी अपने पास ये चीज ये सेम और इधर हम क्या करते हैं C2H5 CH3 O, ये तो ले लेते हो C2H5, तो ये मिथोक्सी है और इसको हम क्या करें हैं इथेन, तो अपने पास जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या हो गए डिफरेंट हो गए इसके अंदर। तो ये बात बेटा इसने अपने को बता रखी है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ और अपने पास जैसे पॉइंट्स आ जाते हैं इसके बारे में भी, सिंपल ईथर है या मिक्स ईथर है उसकी बात करोगे तो सिंपल में अपने पास जैसे एग्जांपल है ये वाला, जिसमें आपके दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, और ये जो एग्जांपल है ये किसका है मिक्स ईथर का, इसमें एक इथाइल और एक हमने क्या ले रखा है मिथाइल ले रखा है। तो सेम वे में जिस प्रकार से यहाँ पे तुम ये बना रहे हो, हम जो बेंजीन है उसके ऊपर भी बेटा इसको कंबाइन कर सकते हैं, तो जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर अगर ये कंबाइंड होगा तो उसको एरोमेटिक ईथर नाम दिया जाता है। जैसे आपके पास ये बेंजीन है और इस पे अगर वो CH3 जुड़ा हुआ है तो देखो ये क्या अपना फिनाइल होता है, ये क्या मिथेन है, तो इसका जो नाम है वो दिया जाता है एनिसोल, इसको जो नाम देंगे वो क्या है एनिसोल। ठीक है, इसी तरह से अपने पास क्या है दो फिनाइल एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकती हैं, तो उसको डाई फिनाइल ईथर जैसे नाम देंगे, यहां तो आपने मिथाइल लिया, इसी की तरह अगर यहां पे तुम O C6H5 लेते हो तो एक फिनाइल ये और एक फिनाइल ये, क्या बनेगा डाई फिनाइल ईथर, ये नाम इसको दिया जाएगा एरोमेटिक के केस के अंदर। तो ये चीज बेटे आ जाती है। नोमेनक्लेचर की बात की जाए भी हम नाम किस प्रकार से देंगे, आपको दो प्रकार के पता है जैसे सिस्टम है कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम जैसे भी बताया हमने भी ये क्या है एनिसोल बेटा कहलाएगा ये। ठीक है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये क्या है डाई फिनाइल ईथर हम ले रहे हैं, तो ये क्या इनके कॉमन नेम है, और अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो वो हमारे पास जो है नाम इसके अंदर डिफरेंट होगा। और कई एग्जाम्पल हमारे ऐसे होते हैं जिसमें ओनली कॉमन नेम टेक प्लेस करता है IUPAC नेम नहीं होता, तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों ने करनी है IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट बेटा अब इसमें आ जाता है जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर।
भी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर है किस प्रकार से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो सीधी सी बात है इसके अंदर भी हम जब ईथर को प्रिपेयर करते हैं तो इसके लिए कुछ अपने पास बटे पॉइंट्स आएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है बाय विलियमसन सिंथेसिस, भी हम प्रिपेयर करेंगे ईथर को विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाता है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमने टू टाइप की रिएक्शन करी, SN1 और SN2। पहले क्या होगा, देखो जो अपने पास अल्कोहल है उसको हम रिएक्ट करवाएंगे जो प्रोटोनिक एसिड होता है उसके ऊपर, मींस CH3CH2OH H+ के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सोनियम साल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में हम दोबारा बैक साइड से क्या करेंगे, एक और जो अपने पास अल्कोहल है उसको रिएक्ट करवाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और अपने को क्या मिलेगा, इथोक्सी इथेन मिलेगा। तो जो सेकंड स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है और जो स्लो स्टेप है उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ये हमारा इसके अंदर पॉइंट रहेगा। तो देखिए जो आपके पास रिएक्शन आती है, जैसे कि अगर प्रिपरेशन करेंगे ईथर की, जैसे अगर सिंपल करते हो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में कंडीशन हमारे पास दो आ जाती है भी, एक तो आप क्या लेते हो टेम्परेचर 443 केल्विन और एक आप ले रहे हो 413 केल्विन। तो इसके अंदर हम डालेंगे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब टेम्परेचर क्या होगा ज्यादा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में, और अगर टेम्परेचर होगा कम तो इसको बेटा हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, जो इथोक्सी इथेन है उसमें। तो अपने पास जैसे एग्जांपल दिया गया है CH3CH2OH, इधर से अगर 443 केल्विन H2SO4 तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो ये OH रहेगा, इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकाल दोगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं 413 केल्विन H2SO4 तो ये C2H5O ये बना देगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ये टू मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, जब टू मॉलिक्यूल हो गए वाटर एलिमिनेट होगा तो ये बनेगा अपने पास। तो क्या देख रहे हैं, फिर जब टेम्परेचर कम है तो ये प्रिपेयर हो रहा है ईथर, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो किसमें चला जाता है, अल्कीन में चला जाता है। तो हम जो विलियमसन सिंथेसिस कर रहे थे उसके अंदर भी देखो यही लिमिटेशन आएगी भी, अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देते हैं तो वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमें टेम्परेचर को क्या रखना है, लो रखना है। तो जैसे मैकेनिज्म मैं बता रहा था भी, मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप इसका रहता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो CH3CH2OH है प्रोटोनिक एसिड उसके अंदर ऐड करते हो। तो फर्स्ट पॉइंट देखो आपका ये रहेगा CH3CH2OH, ऑक्सीजन पे पता है लोन पेयर है, प्लस क्या किया H, ये लोन पेयर यहां पे गया, क्या बनेगा CH3CH2OH2, जबकि ऑक्सीजन पे क्या गया प्लस चार्ज। ये स्टेप क्या है अपना, फर्स्ट स्टेप। अब इसमें देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, प्लस दे रखा है उसने। तो जो SN2 रिएक्शन अपने की थी उसमें क्या था, यही चीज होती है भी, हम क्या करेंगे इसको एलिमिनेट करेंगे और रियल साइड से इसके ऊपर दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका अटैक करवाएंगे। तो अब इसमें क्या होगा, जब अपने पास ये कंपाउंड बन गया दोबारा हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करवाएंगे इथेनॉल बैक साइड से। तो जब बैक साइड से जो इथेनॉल आएगा वहां से क्या होगा बेटा, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइंड हो जाएंगे किसके साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ। कैसे होंगे भी, इसको हमें अलग करना है, इसको अलग करना है तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इसके ऊपर। जब ये इसके ऊपर जाएंगे तो जो वाटर है वो एलिमिनेट हो गया, जबकि ये क्या करेगा, कार्बोकैटायन बना देगा। अब ये कार्बोकैटायन बन गया और बैक साइड से तुम CH3CH2OH दोबारा डाल रहे हो जिसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो ये यहां से लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा। जब ये इस पे अटैक करेगा तो देखो CH3CH2OH तो पहले ही है, CH3CH2OH इसके साथ कंबाइन कर गया, ठीक है। ये जो स्टेप है ये क्या है, स्लो स्टेप है, और ये स्टेप स्लो होने के कारण रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट, आपको पता है भी जो आप ऐड करते हैं कैटलिस्ट के रूप में उसको हम वापिस क्या है, एलिमिनेट करवा सकते हैं। तो यहां से जब H प्लस निकलेगा तो अपने को इथोक्सी इथेन मिलेगा। अपना जब स्टेप है देखो यहां से क्या बनेगा, CH3CH2O इसके साथ है H, ये क्या बना CH2CH3, जबकि ऑक्सीजन पे क्या गया प्लस चार्ज, जब ये इसके साथ कंबाइंड होता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप आप जब करेंगे तो उसमें क्या होगा, आप ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के यहां शिफ्ट कर दो, जब ये यहां शिफ्ट होंगे H प्लस
जो कि तुमने प्रोटोनिक एसिड डाला था वो यहां से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। और जब ये यहां से बाहर जाएगा तो CH3CH2O ये आपके पास कंपाउंड रहेगा, देखो इस तरह से ये अपने पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हम देखेंगे भी जो इथोक्सीथेन है वो यहां पे आपके पास प्रिपेयर होएगा। अगर आप इस तरह से हाइड्रोजन नहीं निकालना चाहते, मान लो हम इसी में दोबारा से क्या करें, एक और अल्कोहल डाल दो CH3CH2OH, इस पे जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैक कर देगा। जब ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैक करेगा तो इसके ऊपर फिर प्लस आ जाएगा, तो अपने को जो ऑक्सोनियम साल्ट है दोबारा मिल जाएगा, और ये जो आपके पास है इथोक्सीथेन ये अलग हो गया। तो अब जो रिएक्शन है वो साइमल्टेनियसली आगे से आगे चलती जाएगी, जिसके साथ कि अपने पास ये ऑक्सोनियम साल्ट है। और ये जो स्टेप है ये फास्ट होता है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये मैकेनिज्म रहेगा जो अपने पास है विलियमसन सिंथेसिस वाला। तो आप देखोगे भी हमने डिहाइड्रेशन करा अल्कोहल का, तो इसकी सहायता से जो मैकेनिज्म आप देख रहे हो ये अल्कोहल का जो मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन का, जिसमें थ्री स्टेप में हमारी जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट देखो जो आपका आएगा वो है प्रिपरेशन ऑफ इथर बाय अल्काइल हैलाइड, जिसको विलियमसन सिंथेसिस नाम दिया जाता है रिएक्शन को। मतलब इसमें जो अल्काइल हैलाइड है उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे CH3Br, इसके अंदर जो अपने पास बेटे प्रोडक्ट दिया हुआ है, और इसमें आप क्या लोगे, जो सोडियम अल्कोक्साइड है उसका यूज किया जाएगा। देखो बेटा ये जो मेथड है दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट जो बेटे मेथड है टू प्रिपेयर द जो अपने पास इथर है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे भी इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं सुटेबल जो सोडियम अल्कोक्साइड है उसके साथ। जैसे हमने देखा था भी हम सोडियम फिनोक्साइड बनाते हैं, सोडियम से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, उसी प्रकार से अपने पास यहां पे आएगा। तो आपके पास जो सोडियम अल्कोक्साइड है उसको रिएक्ट करवाओगे अल्काइल हैलाइड के साथ तो ईथर बनेगा। एग्जांपल जो रहेगा देखो आपके पास है RONA, R-ONA, इसको हम क्या दे रहे हैं नाम, ये आपके पास देखो क्या है, सोडियम अल्कोक्साइड प्लस अल्काइल हैलाइड RX इसमें किया। अब ये यहां पे जाएगा तो स्लाइटली नेगेटिव और ये क्या होगा स्लाइटली पॉजिटिव, इसको भी आप क्या करोगे यहां शिफ्ट करोगे तो ये नेगेटिव और इस पे क्या देगा प्लस। तो देखो ये सोडियम इस एक्स के साथ जुड़ेगा ये बनाएगा NX, जबकि R इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा ROR। इस तरह से अपने पास क्या होगी इथर आ जाएगी। तो R देखो तुम ले लेते हो CH3ONA प्लस ये तुमने ले लिया CH3Cl, क्या बना NaCl प्लस में CH3OCl, तो मिथोक्सी मिथेन जो है यहाँ पे रिएक्शन के अंदर बेटा प्रिपेयर हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये कहता है अपने पास जो टर्शरी कंपाउंड है वो भी तुम ले सकते हो। टर्शरी में क्या होगा, कार्बन के साथ तीन मिथाइल होंगे ONA, प्लस में क्या करोगे मिथाइल ब्रोमाइड, भी यहाँ पे जो रिएक्शन कर रहे हो ये क्या है CH3CONA प्लस में क्या है CH3Br। अब यहां से क्या होगा सोडियम टूटेगा या माइनस प्लस, इसी तरह ये इसमें माइनस प्लस, तो सोडियम इसके साथ जाएगा देखो ये इसके ऊपर, तो क्या बनेगा C के साथ अपने क्या है CH3CH3CH3, इधर O CH3 प्लस सोडियम ब्रोमाइड, ये रिएक्शन जो है इसके अंदर आपकी बन जाएगी जो कि अपने को दी गई है। तो इसका जो नाम है 1, 2, 3, 4 टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, इसके अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, इसका जो नाम है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये इसका नाम आ जाएगा। सिमिलरली जो बेटे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं अपने, जैसे सोडियम फिनोक्साइड है, सोडियम फिनोक्साइड को रिएक्ट करोगे किसके साथ, जो ब्रोमो मीथेन है उसके साथ SN2 रिएक्शन। तो जैसे अभी हमने NH4 बनाया था, देखो ये क्या है सोडियम फिनोक्साइड, ऐड क्या कर रहे हो इसके अंदर CH3Br, यहां से ये इसमें माइनस प्लस, ये इसमें गया माइनस प्लस, सोडियम इसके साथ देखो रिएक्शन करेगा सोडियम ब्रोमाइड और ये इस पे अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ SN2, तो जो यहां प्रोडक्ट बना OCH3 प्लस में क्या बन गया बेटा NaBr सोडियम ब्रोमाइड, तो ये प्रोडक्ट यहां पे हमने बना दिया। तो इसका जो नाम है वो क्या है NSO। इसी प्रकार से आप सिंपल जो सोडियम फिनोक्साइड है उसको
जो आइडो इथेन है उसके साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो तो वहां पे भी प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन जैसे मैं बता रहा था अभी लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, बिफोर द सिंथेसिस जो विलियमसन सिंथेसिस जो अनसिमेट्रिकल इथर है एक प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट इज नेसेसरी, मतलब जो रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उस पे उसकी जो चॉइस है वो जरूरी है, क्योंकि जो विलियमसन सिंथेसिस है अक्कर बाय SN2 मैकेनिज्म, जो SN2 मैकेनिज्म है उससे टेक प्लेस करती है, और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इसमें वो ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है इन SN2। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी की तो वो सिमेट्रिकल के अंदर यहां पे अपने को प्रोडक्ट जो है सही ढंग से नहीं देता। तो यही बात है भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए ये मेथड जो है सबसे बढ़िया माना जाता है, ठीक है, जबकि जो अपने पास सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की बजाय यहां पे जो एलिमिनेशन है वो ज्यादा टेक प्लेस करती है एंड नो इथर इज फॉर्म्ड। तो जैसे हमने देखा था अल्कीन बनेगी तो वो चीज यहां पे प्रिपेयर होती है। फॉर एग्जांपल दिया गया है भी रिएक्शन अगर हम करवाएं किसकी CH3ONa विद टर्शियरी ब्रोमाइड के साथ तो अपने को बेटा वो 2-methyl propene देगा, क्या देगा 2-methyl propene, जबकि मिलना क्या चाहिए अपने को इथर, वो नहीं मिल रहा है यहां पे। जैसे एग्जांपल इसने दिया है BSC है इसके साथ CH3 और ये BR, ठीक है, ये अपने को दे रखा उसने CH3 की ट्राई CBr+, हम इसमें क्या कर रहे हैं NaOCH3, तो सोडियम ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकल के बेटा वाटर बना देगी यहां से मिथेनॉल बनाएगा और एक क्या बनेगी आपके पास यहां पे प्रोपीन CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। मतलब ये होगा इसमें जब ये डालेंगे NaOCH3 तो ये यहां से क्या करेंगे इसको तोड़ेगा, तो ये तो बनाएगा सोडियम ब्रोमाइड NaBr, ठीक है। इसी तरह जो ये मिथाइल है एक मिथाइल यहां से एलिमिनेट होगी और ये मिथाइल जब एलिमिनेट होगी तो इस एक ऑक्सीजन को और यहां से एक हाइड्रोजन को लेगी, क्या बनाएगा अपने पास CH3OH, इसको क्या नाम देते हैं मिथेनॉल, प्लस क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3। तो अपने पास क्या हुआ रिएक्टेंट टूट गया यहां से, तो अपने पास जो है प्रोडक्ट जो है देखो ये तो चीज दे रहे हो तुम, इसको क्या करेगा वो प्लस में CH3OH प्लस CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बना के देगा कब सेकेंडरी या टर्शियरी के केस में। तो ये अपने पास किसका एग्जांपल है टर्शियरी का, हुआ क्या यहां से सोडियम चला गया ये माइनस है, इस पोजीशन से कहीं से भी तुमने एक हाइड्रोजन निकाली और इसके साथ जुड़ गई तो अपने पास क्या बनेगा मिथेनॉल, और ये जब यहां से हाइड्रोजन जाएगा इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और ये देके जाएगा तो कार्बन पे माइनस है, ये पहले से ब्रोमीन देखो क्या कार्बन पे प्लस इस कार्बन पे क्या माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या करेंगे डबल बॉन्ड बना देंगे, तो अपने पास ये फार्मूला बनेगा CH3 वन। तो ये याद रखना है इसके अंदर, तो बिकॉज जो एल्कोक्साइड्स है आर नॉट बेटा ओनली न्यूक्लियोफाइल, वो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल नहीं है बट वो स्ट्रॉन्ग बेस है एज वेल, इसलिए वो रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन, जो एलिमिनेशन करवाई गई यहां पे। तो ये पॉइंट इसमें जो विलियमसन सिंथेसिस का है टेक प्लेस करेगा। इसके बाद जो अपने पास बेटा इसमें आ जाता है जैसे अगर हम करें आगे बाय द एक्शन ऑफ डाइजो एजोमीथेन ऑन एल्कोहल और फिनोल, ये रिएक्शन भी हम इसमें कर सकते हैं। अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट की करना चाहें तो वो भी हमारे पास है भी जो मोनोक्लोरो जो डाइमिथाइल ईथर है प्लस में हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट डालेंगे तो इससे क्या होगा बेटा यार रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगी, ठीक है, किस तरह से जो मिथाइल है वो वहां पे कंबाइंड होगा। आपको क्या दे रखा है इसने दिया हुआ है CH3O इसके साथ है CH2 और यहां पे क्या है Cl, ये अपने को दे रखा है, नाम है इसका मोनोक्लोरो डाइमिथाइल ईथर, इसमें क्या डाल दिया ग्रिगनार्ड रिएजेंट, अब आपको पता भी है यहां जाएगा माइनस इस पे क्या आएगा प्लस, अपने को क्या करनी है अपने को मान लो क्लोरीन यहां से निकालनी है तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा माइनस, ये क्या आएगा प्लस, तो ये देखो इस पे क्या है माइनस है ये इसके साथ अटैक करेगा जबकि ये यहां पे आएगा तो क्या बनेगा CH3O CH2CH3 बन गया देखो मिथॉक्सी इथेन प्लस, ये क्या था Mg इसके साथ क्या है Cl और ये क्या आ गया फाइव, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हो जाएगी रिएक्शन। इसी तरह से अपने को बेटा और दे रखी है इसने रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ भी करवा सकते हो,
भी अपने पास टू मॉलिक्यूल्स है अल्काइल हैलाइड के, CH3CH2Br प्लस में Ag2O रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल सिंपल है देखो ये वाली CH3CH2Br, ये CH3CH2Br और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़े हुए हैं, प्लस हम क्या कर रहे हैं Ag2O, ये रिएक्शन दो मॉलिक्यूल लिए, और देखो ये Ag2 है, ये यहां से क्या करेगा इसको एलिमिनेट करेगा, ये बनेगा 2AgBr, जबकि एक ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ेंगे CH3CH2O CH2CH3 इथोक्सी इथेन, तो ये रिएक्शन यहां पे अपनी टेक प्लेस करेगी। अब आ जाती है बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर है इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इथर में वो क्या है बेटा पोलर है, क्योंकि हम जब बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे क्या है प्लस चार्ज आता है, तो वो क्या है पोलर है, और जो इथर है उसके ऊपर पोलर होने के कारण एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है, तो जो वीक पोलैरिटी ऑफ इथर है डू नॉट अप्रिशिएबिलिटी इफेक्ट, वो अगर हम कह दे भी उसके ऊपर जो इफेक्ट है वो लेस है तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा किसके ऊपर जो प्रोडक्ट है, और उससे क्या होगा जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ द अल्केन, मतलब जो हमारे पास ईथर है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्केन से कंपेरेबल होता है, जैसे अपने पास है क्या अपना लेते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दिया गया है 309.1 केल्विन, जबकि ईथर अगर तुम लेते हो इथोक्सी इथेन इसका होता है 307.6 केल्विन, लेकिन अगर हम क्या ले रहे हैं बेटा अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल के केस में है 390 केल्विन, तो इसने यही बात बताई है भी जो पोलैरिटी है उसके कारण जो अपने पास बेटे क्या बॉन्ड है यहाँ पे अल्केन की तरह ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेबल है जबकि अल्कोहल से बहुत ज्यादा कम होता है। सेकंड पॉइंट दिया गया है सोलिबिलिटी ऑफ ईथर, सोलिबिलिटी ऑफ ईथर में जो ईथर है वो कंटेन करते हैं अप टू 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम जो है बेटा अगर अपने पास ईथर में वो सोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर, अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं तो वो सोलिबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने को दिया गया इथेनॉल डाइमिथाइल ईथर, ठीक है ये सभी क्या कंप्लीटली मिसिबल होते हैं वाटर के साथ क्योंकि इसमें कार्बन की वैल्यू क्या है कम है, और अगर वो ज्यादा हो जाए तो उसमें वो जो है डिजोल्व नहीं होंगे सोलिबिलिटी शो नहीं करेंगे, तो इसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टेक प्लेस करेगी, तो एज जो मोलिकुलर मास है वो इंक्रीज, देखो कार्बन बढ़ेंगे तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा, तो एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेज सोलिबिलिटी ऑफ इथर डिक्रीजेज इन वाटर ड्यू टू द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द मोलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या वहां पे टेक प्लेस करेगी, तो ये अपने पास सोलिबिलिटी दे रखी थी इथर की बेटा इसके अंदर। इसके बाद देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसमें फिजिकल स्टेट की अगर बात की जाए तो जो इथर है आपके डाइमिथाइल इथर है एंड जो इथाइल मिथाइल इथर है ये गैसेस होती हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, जो अदर लोअर होमोलोगस है वो कलरलेस है, प्लेजेंट इनके अंदर एक स्मेलिंग है, वोलेटाइल लिक्विड है विद टिपिकल जो इथर स्मेल होती है उसकी वजह से, तो ये हमारे पास क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बेटा इसमें जो पॉइंट आ जाता है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर, जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर है वो क्या रहेगी, तो इसमें जो इथर है बेटा वो इनर्ट कंपाउंड है और इंस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम, हम देखते हैं अभी हमने किया भी पोलर ग्रुप है डबल बॉन्ड हम जो देख रहे हैं वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पे, तो वो कंटेन कर रहा है जो ऑक्सीजन है यहां पे इसके अंदर जो हम इथर लेते हैं उस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और उस वजह से ये जो डिफरेंट जो बिहेवियर है वो शो करेगा, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दीज आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, इनका यूज किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में, जो ईथर है हम देखते हैं लेबोरेटरी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा सॉल्वेंट के रूप में, तो अपने पास क्या होगा अब जो केमिकल प्रॉपर्टी है वहां पर जो रिएक्शन करवानी है हमने वो रिएक्शन क्या है भी जो कार्बन ऑक्सीजन हम देखते हैं ईथर के अंदर इसकी क्लीवेज करनी है यहां से बॉन्ड की, तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसकी क्लीवेज करोगे तो इसके लिए अलग अलग जो मेथड है बेटे वो आप लोगों ने क्या करना है यूज करनी है, तो जैसे एक मान के चलिए कोई भी हैलोजन एसिड है हम उसकी सहायता से इसको तोड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे ईथर के अंदर हैलोजन एसिड ऐड करोगे तो उससे क्या होगा अल्कोहल बनेगा, पहले हमने क्या किया ईथर बनाया था अब हम ईथर को डीकम्पोज करेंगे, तो सिंपल इसने जैसे दिया आपके पास है आर ओ आर
और हेलोजन एसिड डाल दिया HX, ये पता भी है यहाँ आएगा माइनस, ये प्लस, ये इसके ऊपर जाएगा क्योंकि हम कार्बन और ऑक्सीजन की क्लीवेज कर रहे हैं, ये यहाँ गया, इस पे क्या गया प्लस, इस पे माइनस, तो हाइड्रोजन तो देखो इससे जुड़ेगा और R इसके साथ, तो क्या बन गया ROH, जबकि ये क्या बन गया RX, तो अपने पास क्या है, एक तो अल्कोहल बन गया और एक इसमें अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल तुम ले सकते हो CH3OCH3 मिथोक्सी मिथेन प्लस क्या डालते हो HCl, तो क्या बनेगा मिथेनॉल CH3OH प्लस में मिथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो भी तुम बनाना चाहते हो, तो ये इसमें एग्जाम्पल रहेगा। फिर ये कहते हैं इन केस ऑफ HI इज यूज, अगर हम एक्सेस अमाउंट में जो हाइड्रो आयोडिक एसिड अगर वो ले लें तो जो अल्कोहल फॉर्म्ड है फर्दर विद HI टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड, वो फर्दर बेटा क्या करेगा रिएक्ट करके जो अल्काइल आयोडाइड है वो बनाएगा, मतलब पहले आपने एक रिएक्शन ली CH3C2H अपने ओ C2H5 प्लस HI रिएक्ट किया इथेनॉल प्लस में बेटे C2H5I, दोबारा फिर इसको अगर एक्सेस अमाउंट में लोगे तो फर्दर फिर से ये रिएक्शन टेक प्लेस करवा सकता है। तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म बेटा बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था भी जो प्रोटोनिक एसिड होता है H+ उस पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो अटैक करेगा और वहां से जब आप देखोगे भी वो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोनेशन है, फिर हम क्या करेंगे उसमें सेकंड स्टेप है जब उसके साथ वो कंबाइंड हो जाएगा, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे अलग करवा दोगे उसके वहां से। तो यहाँ पे यही हो रहा है, अगर मैकेनिज्म लिखोगे पहले स्टेप में हम इस कंपाउंड में जो लोन पेयर है उसको H+ पे अटैक करेंगे, सेकंड स्टेप में आप यहां से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसको क्लीवेज करोगे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके तो ये यहां से अलग हो जाएगा, और थर्ड स्टेप में जो H है वो इसके ऊपर अटैक करेगा ROH और जो X है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये मैकेनिज्म भी बेटा अपने को बुक में दे रखा है। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है वो इसी मेथड की सहायता से क्या होती है टेक प्लेस करती है। तो ये हमारा यहाँ पे मेथड रहेगा क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का जिसके अंदर रिएक्शन अपने को दे रखी है। ठीक है, तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।